ये है गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर खड़ी सजी धजी ट्रेन। ये ट्रेन गांधीनगर से वाराणसी के बीच में चलाई जा रही है। इसको हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। ये साप्ताहिक ट्रेन है, लेकिन ये मौका खास है। ये मौका इसलिए खास है क्योंकि गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को रिडेवलप किया गया है एक खास अंदाज में, एक खास तरीके से। और ये स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि 5-स्टार होटल है। और ये 5-स्टार होटल अपने आप में आने वाले दिनों में देश के तमाम इलाकों के लिए एक वानगी बन गया है। नीचे रेलवे स्टेशन या प्लेटफार्म जिस पर गाड़ियां चलेंगी, यहां आप देख सकते हैं कि सजी धजी गाड़ी आ चुकी है, और ऊपर 5-स्टार होटल। और ये एक शानदार होटल के साथ एक शानदार हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन बन गया है। और इसकी अगर हम लागत की बात करें इस पूरे रिडेवलपमेंट की, तो 250 करोड़ रुपए का ये रिडेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पर जो आप सेट देख रहे हैं, एक लंबा चौड़ा सेट, इसके नीचे पूरी की पूरी ट्रेन आ जाए, इसके ऊपर हम कह सकते हैं होटल है। और ये जगह अपने आप में खास हो गई है। और खास हो गई है क्यों? क्योंकि यहाँ पर देश का पहला रिडेवलप रेलवे स्टेशन आपके सामने है। और इसका जायजा लेने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्टेशन पर पहुँचे, क्योंकि पूरी तैयारियों का जायजा लिया जाना। और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव के साथ रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी मौजूद रहीं और पूरे तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि सजी धजी ट्रेन और रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री दोनों ही पूरा मुआयना करते हुए, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसको इंश्योर करना जरूरी है। और ये उद्घाटन जो किया जाएगा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट तो शामिल है ही, साथ ही साथ अगर हम दूसरी परियोजनाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं गेज कन्वर्जन और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है मेहसाणा वरेठा रेल लाइन का, और सुरेंद्र नगर पीपावाव रेल सेक्शन का भी उद्घाटन किया जाएगा क्योंकि उसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी छाप है। अगर हम रेलवे की बात करें उस पर प्रधानमंत्री की छाप दिखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना है कि रेलवे दुनिया की अत्याधुनिक रेलवे बन जाए, और उसी की पूरी कोशिश की जा रही है। खास तौर पर अगर हम गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर में ये अलग तरीके की हम कह सकते हैं कोशिश की गई है कि नीचे रेलवे स्टेशन और ऊपर 5-स्टार होटल, वो भी लीला ग्रुप का, 30 मंजिला है। और एक और खास बात है कि अगर हम इसकी सेट की बात करें तो काफ़ी चौड़ा सेट है क्योंकि 5 रेलवे लाइन को कवर कर रहा है, और तो ये अपने आप में अलग माना जा रहा है। और यहाँ पर कई चीज़ें हैं इसमें, ये जो डेवलपमेंट किया गया है इसमें हम कह सकते हैं कि ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के तहत गुजरात सरकार और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ, उसके बाद इसको रीडेवलप किया गया। और यहाँ होटल को भी देख सकते हैं कि किस तरीके का होटल है, और जो सामने का स्पेस था पूरा का पूरा, वो हम कह सकते हैं कि उसको भी सही तरीके से बनाया गया है, रीडेवलप किया गया। और ये जो 318 कमरे वाला होटल यहाँ पर बना है, 318 कमरे का होटल है, और साथ ही साथ स्टेशन पर 40 लोगों के लिए यानी 40 सीटर्स सेंट्रलाइज एसी वेटिंग हॉल भी बनाया गया है। एलईडी वॉल डिस्प्ले लाउंज के साथ एक आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। यहाँ पर जो लैंडस्केप किया गया है वो अलग तरीके का है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। तो कहीं ना कहीं पूरे स्टेशन को रिफर्बिश कर दिया गया है, एक डिफरेंट लुक देने की कोशिश की गई है, जो रेल यात्री सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं,
कि हरी झंडी दिखाई जाए। और स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये जो डेवलपमेंट का तरीका है, यानी रेलवे स्टेशन को किस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल बनाया जाए और साथ ही साथ यात्रियों के लिए सुखदायक बनाया जाए, उसकी ये वानगी बन जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी तैयार है और उसके बाद कई रेलवे स्टेशनों का रिडेवलपमेंट होना है, जिसमें नई दिल्ली है, सफदरजंग है, ग्वालियर है। इस तरीके से देश भर के 100 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों के रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो गांधीनगर तो एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में तमाम रेलवे स्टेशन इसी तरीके से रिडेवलप किए जाएंगे।